हेलो गाइस, तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन हर 5 मिनट बाद हम होने वाले रैंडम यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट, फिर उनका सामान चुरा के जाने वाले हम एंड डायमेंशन में, और वहां पे हम मारने वाले रेड मैग्मा ड्रैगन को। उसको हम मार पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। फिलहाल तो हम किसी रैंडम वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो हम स्पॉन यहां पे सवाना बायोम में हुए हैं, और टेलीपोर्ट होने में कुछ 4-5 मिनट तो लगेगा। तो कुछ तैयारी तो यार हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले लकड़ियां तोड़ते हैं, क्राफ्टिंग टेबल तो मैंने बना दी, एंड कुछ हमारे बेसिक टूल भी यहाँ पे एकदम से रेडी है। टेलीपोर्ट होने से पहले एटलीस्ट हमारे पास स्टोन का सामान तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे केव तो है यार अंदर, कॉपर वगैरह भी ऊपर से दिख रहा है मेरे को, तो अंदर चलते हैं। और क्या, ओ भाई क्रीपर, ये फटेगा। ओके, ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ हमें, एंड इतना अंदर जाना सही नहीं लग रहा है मेरे को। कोल दिख गया मेरे को, पहले हम एक टॉर्च बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे ज़ॉम्बीज वगैरह है, हम अपनी वुडन की पिकैक्स से खुश है भाई, नीचे नहीं जाना मेरे को। वैसे भी अगर हम यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में जाएंगे तो हमें काफी सारा सामान ऐसे फ्री में मिल जाएगा। तो पूरे स्टोन के सेट के साथ हम रेडी है, तो थोड़ा सा यार हम यहाँ पे एक्सप्लोर करके आते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे। एंड सामने गाइज मेरे को एक विलेज भी दिख चुका है, फटाफट से लूटा जाए भाई। क्या पता भाई यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में बिल्कुल भी खाना ना हो, फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, इतनी ब्रेड तो काफी रहेगी, एंड आयरन गोलम तेरे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। एंड इसने हमें दी है 4 आयरन भाई साहब। सबसे पहले मैं एक बकेट बना लेता हूँ, एंड कहीं से पानी तो भरना पड़ेगा हमें। और आप सोच रहे होंगे भाई मैंने बकेट क्यों बनाई, क्योंकि हम सीधा टेलीपोर्ट होने वाले यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में, तो जरूरी थोड़ी ना जमीन पे टेलीपोर्ट हो, एमएलजी तो कर सकते हैं ना फिर हम। और इनकी चेस्ट मैंने अभी तक नहीं लूटी यार, ये तो बिल्कुल गरीब है, इसने सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल रखी है अंदर। इसका घर देखो कितना बड़ा है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। डेजर्ट वाले जो विलेजर्स रहते हैं एकदम गरीब, कुछ भी नहीं रहता इनके पास। ओ भाई ये क्या हुआ, ओके हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ये क्या चीज है भाई यहाँ पे, ऊपर से भाई रास्ता खुला तो हुआ है। एंड मैं समझ गया भाई, ये तो चिप्पू के अंदर हम आ रखे हैं, एंड चिप्पू थी भाई बीस्ट बॉय शुभ के वर्ल्ड में, एंड ये रहा बीस्ट बॉय शुभ का वर्ल्ड। और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था भाई हम ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, अच्छा हुआ मैंने एक वाटर बकेट बना ली थी। एंड यहाँ पे भाई बारिश होने लग गई है, तो फटाफट से अंदर चलते हैं यहाँ से। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिजली वगैरह भी कड़कने लग गई है गाइस यहाँ पे। लग तो भाई ये पूरा बीच वही शुभ का ही वर्ल्ड है। और सामने भाई ये वाला नई चीज यहाँ पे बना रखी है, ये कुछ पेड़ वगैरह बना रखा हार्ट वगैरह का, एंड मेन जो हाउस है वो तो आपको सामने यहाँ पे दिख ही रहा है। एंड हम टेलीपोर्ट हुए थे भाई चिप्पू के अंदर बिल्कुल सेंटर में, एंड ये यहाँ पे नई चीज क्या बना रखी है, ये तो मैंने कभी देखी नहीं। यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स वगैरह भी है ना, एक काम करते हैं घर के अंदर चल के देखते हैं वहाँ पे कितना सारा सामान पड़ा होगा। लेकिन घर के अंदर जाएं कैसे भाई, ये दरवाजे तो खुल ही नहीं रहे, और मैं तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता इसको। और ये रहा भाई बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी प्रजनन केंद्र, और हम तो 18 प्लस है नहीं, लेकिन अंदर जा सकते हैं हम भाई। यहाँ पे विलेजर से ज्यादा तो आयरन गोलम घूम रहे हैं, और भाई हम घर के अंदर जा सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से रास्ता तो लग रहा है मेरे को। हमें काम करना है, प्रजनन केंद्र के ऊपर चढ़ना होगा हमें। 18 कोबलस्टोन है हमारे पास, ऊपर तो हम आ चुके हैं, देखते ये वाला दरवाजा कहाँ निकलता है। एंड ये हम कहाँ आ गए भाई, लाइब्रेरी बना रखी है, ऐसा कुछ तो मैंने बीस्ट बॉय शुभ के वर्ल्ड में देखा ही नहीं। यहाँ से ऊपर भी चल के देखते एक बार, एंड ये तो भाई हम छत पे ही आ चुके हैं सीधा। एंड ये वाला पेड़ सच में ही काफी ज्यादा औसम लग रहा है यार, एक तो बारिश होगी सारा मूड खराब कर दिया। एंड ये लाइब्रेरी तो भाई मैंने कभी देखी नहीं, शायद उल्टी लगा रखी है, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पे लेक्टन वगैरह है, नीचे चल के देखते ना मेन वाले घर के अंदर। एंड यहाँ पे भाई काफी सारा सामान होना चाहिए, ये चेस्ट खुल क्यों नहीं रही है यार। गाइज यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे एक भी चेस्ट नहीं खुल रही, पता नहीं क्या सीन है। और एक को मैं तोड़ के भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या सीन है। ओ भाई सामान तो यार काफी सारा रखा भाई इसके अंदर, टीएनटी मिल गई जिनका हम यूज कर सकते हैं एंडर ड्रैगन को मारने में। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भी आइटम नहीं था, मतलब सारी प्रोटेक्टेड वाली चेस्ट थी। आसपास का विलेज देख के आते हैं, क्या पता भाई कुछ हमें लूट वगैरह मिल जाए। तो ये विलेजर भी भाई एकदम कंगाल है, क्योंकि ये डेजर्ट वाले विलेजर है, तो ये भी एकदम कंगाल है। यहाँ पे गाइज हमें एक डेजर्ट पिरामिड मिला है, एक बार अंदर चल के देखते हैं ये लूटा हुआ है कि नहीं, ये क्या सीन है इधर। ओ भाई क्रीपर, दूसरा क्रीपर हो गया आज का ये। यहाँ से मैं एक टॉर्च फेंक के देखता हूँ, नहीं भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एंड फिर से एक ही झटके में हम कहीं तो स्पॉन हो चुके हैं, कुछ ज्यादा ही वीट लगा रखी भाई, किसका वर्ल्ड है ये। दूर से देखने से तो ये मिथपैड का ही वर्ल्ड लग रहा है, इसका नाम उल्टी है तो मतलब ये मिथपैड का ही वर्ल्ड होना चाहिए ना। घर के अंदर सीधा चला जाए, ये वाली चेस्ट भी सारी लॉक लग रही है मेरे को भाई। कुछ हमें आज सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छत पे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वीट तो भाई काफी सारा उगा रखा है। यहाँ पे उल्टी और एक डॉगी बैठा हुआ है, लेकिन यार सामान तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं कितना नीचे बना रखा है भाई, चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। एंड नीचे आने पे यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिली है, ओ भाई साहब चेस्ट के अंदर मिली है भाई काफी सारी आयरन। एंड यहाँ पे कोल वगैरह है, वैसे कोल की हमें जरूरत तो नहीं है। और यहाँ पे क्या माइन बना रखी है, आयरन का पूरा आर्मर तो समझ लो बन ही गया। एंड यहाँ पे भाई डायमंड्स किसने छोड़ रखे एकदम खुलेआम, चेस्ट हम लूट नहीं सकते लेकिन ये सामान तो हम लूट ही सकते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डायमंड्स मिले भाई साहब, मजा ही आ गया। और हम किसी केव में आ चुके हैं, तो एक पिकेक्स बनाते सबसे पहले एक डायमंड का। एंड ये गाइस हमने पूरा आयरन का सेट यहाँ पे बना लिया है, और डायमंड हमारे पास सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं। एंड मिथपैड के घर में एक सीक्रेट जगह भी तो थी, वहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर रखा रहता था ना, कितने गेट लगा रखे भाई यहाँ। तो सीक्रेट जगह पे हम आ तो चुके हैं, लेकिन
यहाँ पे आर्मर तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, डायमंड की स्वॉर्ड तो हमें मिल गई है, और जो भी फालतू का सामान है पहले तो हटाओ यार। भाई मेरे पास तीन तीन क्राफ्टिंग टेबल, भाई हद ही कर दी मैंने तो। ये लो भाई फिर से हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं, और टेलीपोर्ट होते ही सामने भाई अपनी बढ़िया सी यहाँ पे दुबई सिटी दिख रही है। लॉगी और चपाती भाई की वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग है भाई, देखो यार कितना ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ से हम भाई नीचे कैसे जाए, एक काम करते भाई सामने जंप मारने का ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब कुछ ज्यादा डैमेज पड़ गया, यहाँ पे लामा वगैरह भी है, और ये वाला टावर यार कितना ज्यादा सही लग रहा है यार, इसके अंदर भी एक बार चल के देखेंगे। वैसे यहाँ पे चेस्ट वगैरह वाला सारा सामान रहता का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, एक बार घूम घूम के देख ही लेते हैं क्या ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी हुई तो है, एंड ये वाली भी भाई लॉक है। भाई क्या सीन है यार, वैसे हमें सामान कैसे मिलेगा यार एंडर ड्रैगन को मारने के लिए? वैसे हमारे पास सामान तो है लेकिन यार फिर भी ब्लेज रॉड वगैरह कहीं से मिल जाती तो एंडर आई बना के सीधा चले जाते, हमें नेदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड यहाँ पे लग रहा है भाई मेरे को चेस्ट वाला मेन इलाका, एंड ये वाली सारी चेस्ट भाई खाली पड़ी है। भाई हो क्या रहा है यार हमारे साथ, कुछ चेस्ट एकदम खाली पड़ी हुई है, कुछ चेस्ट एकदम लॉक पड़ी हुई है। वैसे भी यार काफी सारे यूट्यूबर्स का घर रह रहा है तो यार वहाँ पे भी जाके देखेंगे, यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसी भी चेस्ट में कुछ भी सामान पड़ा होगा। तो गाइज यहाँ पे हमें चेस्ट में से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे भाई डायमंड्स के ब्लॉक लगा रखे हैं जिससे हम अपना पूरा डायमंड का सेट बना सकते हैं। एक आधे हम डायमंड ब्लॉक चुरा ले तो क्या ही दिक्कत, अरे चुराने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगा के फटाफट से हम सारा बना लेते हैं आइटम, पहले तो हमें डायमंड्स बनाने पड़ेंगे। एंड देख लो भाई अपना बंदा ऑलरेडी पूरे डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका है। एंड भाई तुम नजारे देखो यहाँ के कितने ज्यादा डिटेलिंग है यार। एंड यहाँ पे भाई एक चिकन भी घूम रही है बढ़िया सी। एंड गाइस चिकन से मेरे को याद आया, मैं आपको सोलचिक के बारे में बताता हूँ जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो सोलचिक बिल्कुल एक न्यू ब्लॉकचेन गेम है जिसमें छोटे छोटे क्यूट चिक्स भी होते हैं, एंड इन चिक्स के साथ आप पीवीपी बैटल भी कर सकते हो या फिर रेड्स में मॉब बॉस के अगेंस्ट फाइट भी कर सकते हो। वैसे ये काइंड ऑफ बैटल रॉयल गेम जैसा है, लेकिन इसमें आप अपने क्यूट चिक्स को पेट भी कर सकते हो, उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हो, उनको ब्रीड कर सकते हो। एंड उसी के साथ सबसे ज्यादा तगड़ी चीज इस गेम में प्ले टू अर्न का भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी सोलचिक्स इस गेम में होती है वो सारी एनएफटी होती है। एंड इसमें ये सोल नाम के टोकन्स होते हैं जो कि थोड़े दिनों में लॉन्च होने वाला है। वैसे इसका फर्स्ट वर्जन आएगा जनवरी में, तो अगर आपको टोकन्स खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गेम को डाउनलोड करने के लिए www.solchicks.io पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफी ज्यादा ओपी गेम है, एक बार तो जरूर से ट्राई करना। अब बढ़ते हैं वीडियो में सीधा आगे। यहाँ पे भी यार काफी सारी चेस्ट रखी हुई है, एंड ये भी खाली लग रही है। भाई क्या हो रहा है आज हमारे साथ, चेस्ट में तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो गाइज मैं पूरी दुबई सिटी को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मेरे को सामान के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। इस चाइना वाले टावर के अंदर एक बार मैं जाके देखता हूँ, मेरे को काफी ज्यादा सही लगता है ये। एंड ये देखो भाई एकदम गलत टाइम पे टेलीपोर्ट हुआ है, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पे है, और ये है किसका वर्ल्ड यार समझ ही नहीं आ रहा, इतना ज्यादा ऊपर भाई कौन टेलीपोर्ट करता है यार। यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें एमएलजी तो करना ही पड़ेगा, बस एक बार में एमएलजी हो जाए हमारा इजिली। ओ भाई कमेंट्स में प्रो स्पैम हो जाना चाहिए यार। एंड यहीं से नीचे चल देते ना इसी बाहू से, ये तो मेरे को टेक्नो गेमर्स का स्टैचू लग रहा है। एंड टेक्नो गेमर्स का अगर स्टैचू है तो ये टेक्नो गेमर्स का वर्ल्ड होना चाहिए। ये वाला कासन मैंने वीडियोस में खैर देखा तो है, और इसकी दीवारें भाई गोल्ड की बनी हुई है यार, इतना ज्यादा मैसिव बना रखा है, अभी तक मैप भी लोड नहीं हुआ अच्छे से। और ये रहा गाइस आपके सामने टेक्नो गेमर्स का एकदम एपिक वाला कैसल। तो भाई सबसे पहले तो अंदर चल के देखते कि भाई अंदर का क्या सीन है। सामने देखो भाई थ्रोन बना रखी है, और यहाँ पे क्रीपर और स्केलेटन के क्यों लगा रखे, और यहाँ पे डॉगी बैठा हुआ है, यहाँ पे कैट वगैरह बैठी हुई है। इनका चेस्ट वाला सिस्टम कहा है, सबसे पहले तो मैं ये देखूं इनके अंदर सामान है कि नहीं है। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सामान नहीं है भाई, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, भाई लिटरली खजाना भरा हुआ है यहाँ पे। तो इतना सामान तो भाई मैंने क्रिएटिव मेन्यू में नहीं देखा। आयरन देखो भाई कैसे भर रखी है। एंड ये टूल्स भाई मैं पक्का उठाने वाला हूँ, कुछ ज्यादा ही तगड़े बना रखे हैं यार। और यहाँ पे ऊपर बीकन भी लगा रखे हैं, तो अपनी स्पीड और जंप बूस्ट देखो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, सीधा ऐसे टॉप की जा सकते हैं। भाई टेक्नो गेमर्स के कासल में आके हम बिल्कुल माला माल हो चुके हैं भाई, सामान देख रहे हो कितना ज्यादा तगड़ा है ये। एमरल्ड्स के ब्लॉक वगैरह भर रखे हैं भाई, क्या ही बताओ, इतनी लूट के हम करेंगे भी क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इधर भी भाई अनलिमिटेड सामान भरा हुआ है, गोल्ड वगैरह कितना कुछ है भाई। यहाँ पे हमने 19 एंड ड्राइव बना लिए जो कि यार मोर देन इनफ है। और ये अपनी शील्ड पहन लेते हैं, और हम सीधा जाके भाई एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं। और ये लगा रखा है भाई यहाँ पे मैसिव वाला एकदम तगड़ा वाला बीकन। एंड यहाँ पे भी भाई कुछ तगड़ी सी चीज लगा रखी है, ऑटोमेटिक वाली लगा रखा है, मतलब जो बटन दबा वो सामान आपको मिल जाएगा, जैसे गन पाउडर ये मिल गया। मान लो हमें एरोस चाहिए काफी सारी, अरे एरो वाला बटन साइड वाला है, अरे भाई मारनी नहीं है चाहिए है, शुगर केन चाहिए तो यहाँ पे शुगर केन मिल जाएगा आपको। सारी चीज ए टू जेड यहाँ पे ऑटोमेटिक बना रखी है। गाइस टेक्नो गेमर्स के कासल को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा सकते हैं मेन अपने मैग्मा ड्रैगन को मारने के लिए। थोड़ा सा खाना खा लिया जाए पहले।
बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ड्रैगन को मारना। सबसे पहले आई फेंकते हैं, ओके इस तरफ जा रही है ये। फाइनली गाइज हमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ से नीचे हमें खुदाई करनी है बस। ज़ॉम्बीज भाई बहुत ज्यादा गलत वाला पंगा ले रहे हैं, और यहाँ पे हमें आईज लगानी फटाफट से, एंड हम सीधा जाते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। गाइज मैं एक चीज तो भूल गया, वहां पे मैंने रिस्पॉन पॉइंट कोई भी नहीं लगाया। वैसे हम मरने वाले तो नहीं है, फिर भी यार हमें रिस्पॉन पॉइंट तो लगा ही देना चाहिए था। वैसे भी एंडर ड्रैगन को मारना बहुत ज्यादा इजी रहता है, और भाई यहाँ के तो यार एंडर मैन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। निशाना देखो तुम बस मेरा, भाई ड्रैगन यार क्या मस्त चमक रहा है यार ये वाला। यहाँ पे हम सारे टीएनटी भर देते हैं, जैसे ड्रैगन नीचे आएगा हम फ्लिंट, एक मिनट भाई फ्लिंट एंड स्टील तो मैंने बनाई नहीं। वैसे जो हमारी एरो है ना वो फ्लेम वाली है, तो यहाँ पे हम टीएनटी लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो आएगा ना तो मैं यहाँ पे एक एरो मार दूंगा और क्या। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज पड़ता है इसको, ओ भाई साहब क्या ही डैमेज पड़ा यार इसको। इस बार जैसे ही ऊपर गया ना भाई, ओ भाई इस बार देखना उड़ाने वाला ये, बच गया मैं। फाइनली गाइज हमने इस वाले एंडर ड्रैगन को भी मार दिया है, और मर गया भाई, फिर भी उड़ कैसे रहा ये। अब भाई शांति मिली, देखना भाई पूरे एंड डायमेंशन को कैसा कर दिया इसने, एंड काफी सारी एक्सपी भी मिली। और ये कैसा ड्रैगन का एग है भाई, इसको तोड़ के देखते एक बार, ये क्या हुआ भाई।